ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। भारत ने ठाना है कि अब चीन को सबक सिखाना है। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, सच की आवाज। वही खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा के बैनर तले विगत दिनों चीन द्वारा सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ की गई कायरतापूर्ण हरकत के विरोध में चीन और चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर विरोध जताया गया और भारतीय वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की कि चीन से किसी भी प्रकार के व्यापार पर तत्काल रोक लगाएं और चीन को इस हरकत का माकूल जवाब दें, जिसमें मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र प्रवक्ता विनय शर्मा, वंटू शर्मा, जिला अध्यक्ष अरविंद शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विकास तिवारी, विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्णा दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष दीक्षित, बलकेश्वर मंडल अध्यक्ष मनीष गौतम, मंडल अध्यक्ष रोहित शर्मा, दयाल बाग मंडल अध्यक्ष धनंजय तिवारी, प्रथम शर्मा, राहुल दुबे, शेखर दुबे, रवि पंडित जी, यश पंडित, मृत्युंजय तिवारी आदि मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए आगरा से बच्चू सिंह बौद्ध की रिपोर्ट। अब तक जिन्होंने यूज किया उसका पूर्ण रूप से पूरे देश की जनता से आह्वान है तो उसका बहिष्कार करें और चाइना से किसी भी प्रकार का उत्पाद उसको पसंद ना करें और चाइना से बने हुए सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर है, टिकटॉक है, ये सभी पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। चाइना से सारे उत्पाद प्रतिबंध होने चाहिए और चाइना का जितना जमकर विरोध हो सके वो विरोध होना चाहिए।